हेलो गाइस, जैसे आप देख रहे हैं मिस्टर वावलर। सो आज मैं आपको ज़बरदस्त अलर्ट करने वाला हूं। आज मैं आपके लिए जॉब्स लेकर आया हूं, वो भी मिनिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान में। क्या सर, सच में? जी हाँ, सच में। तो आप कहेंगे सर जल्दी पता है अप्लाई कैसे करें, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आप यहाँ पर आ जाएंगे गूगल के ऊपर। सही, गूगल आने के बाद यहाँ पर आपको लिखना है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स जॉब्स 2024 ऑनलाइन अप्लाई, आपको सिर्फ ये लिख देना है। सही है, ओके। ये लिखने के बाद इसकी जो फर्स्ट वेबसाइट है, आपने क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। सही है, जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे सॉरी फॉर डेट, ओके। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इसकी जो मेन वेबसाइट है वो आपके सामने ओपन हो जाएगी। सही है, तो आप देख सकते हैं इसकी मेन वेबसाइट ओपन हो गई है। तो अब आपने क्या करना है, इसकी जो फर्स्ट जो वेबसाइट है, आपने क्या करना है, यहाँ पर लिखा हुआ है अप्लाई ऑनलाइन। आपने क्या करना है, यहाँ पर एडवर्टाइज भी इसकी देख सकते हैं। सही है, इसकी लास्ट डेट वगैरह आपने क्या करना है, अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले अपना अकाउंट बना हुआ है, अब अपना अकाउंट बनाना है। सीएनएस नंबर लिखना है, ईमेल लिखनी है, पासवर्ड लिखना है। अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ है तो आप ये अकाउंट बनाएंगे। अगर आपका अकाउंट बना हुआ है तो आप यहाँ पर लिखेंगे ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर अपना सीएनएस नंबर लिख के यहाँ पर लिखा हुआ है कि लॉगिन। आप जैसे ही लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ओपन हो जाएगा, इसका जो फर्स्ट पेज है। सही है, फर्स्ट आपने क्या करना है, यहाँ पे अपना नाम लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है, डोमिसाइल लिखना है। सही, ओके, मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पे नाम लिखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम है एमन, यहाँ पर मैंने लिख लिया खान, ओके। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लिखनी है आपने। सही है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने अपनी यहाँ पर लिख ली डेट ऑफ बर्थ। सही है, ओके। उसके बाद यहाँ पे जेंडर के लिए मेल है, फीमेल, वाटर जो भी है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मेल हूँ। तो यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिखना है, तो मैंने यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिख रहा हूँ। सही, ओके। उसके बाद यहाँ पे डोमिसाइल के लिए, डोमिसाइल आपका जो रूलर है, अर्बन है, जो भी है, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा जो डोमिसाइल है वो सिंध का है, मैंने क्या क्या सिंध के ऊपर क्लिक कर दिया। सही, ओके। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है एज ऑफ रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे एज ऑफ कह रहा है। सही, अगर आपने कोई जॉब वगैरह की हुई है किसी में, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है। सही है, ओके। यहाँ पे कह रहा है कि अगर आप कोई मजदूर वगैरह हैं तो आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है। अगर आप किसी जॉब वगैरह रिटायर्ड है, आप उसको यहाँ पे लिख देना है। सही है, ओके। अगर फर्स्ट ऑफ ऑल आप इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं लगता है आपको, आपको क्या करना है, सिंपली नन के ऊपर क्लिक कर देना है। सही है, ओके। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे कह रहा है कि रिलीजन, आपने क्या करना है, यहाँ पे रिलीजन लिखना है आपका, इस्लाम है, कौन सा आपका रिलीजन है, सिंपली वो लिखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा रिलीजन है इस्लामी होगा आपका, तो आप इस्लाम के ऊपर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे पोस्टल एड्रेस कह रहा है, तो मैंने पोस्टल एड्रेस आपने लिख देनी है। यहाँ पे सिटी कह रहा है, आपका जो सिटी है वो कौन सा है, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा सिटी जो है वो है मेरा सिटी कराची, तो मैंने क्या करूँगा, सिंपली मैं यहाँ पे कराची कर दूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जेलम ही कर दिया, कसूर कर लिया, आपको बोल देना है जो आपको लगता है। उसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रोफाइल अपलोड, प्रोफाइल फोटो, आप उन्हें क्या करना है, प्रोफाइल फोटो अपलोड करके मैं आपको बताता हूँ क्या करना है आपने, ओके, ओके। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि सबमिट प्रोफाइल, आपको क्या करना है, सबमिट प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करना है, अगर आपने सबमिट कर लिया है तो, ओके। उसके बाद जो इसका जो नेक्स्ट स्टेप है, यहाँ पे कह रहा है कि क्वालिफिकेशन, आपको क्या करनी है, अपनी क्वालिफिकेशन दे देनी है। इसका मतलब ये है कि आपको अपनी एजुकेशन दे देनी है, उसकी इन्फॉर्मेशन। फर्स्ट स्टेप में कह रहा है कि नेम, आपने क्या किया हुआ है, इंटरमीडिएट किया हुआ है, मैट्रिक किया हुआ है, बैचलर किया हुआ है। आप एडवर्टाइज में देख लेना कि इसमें जो रिक्वायरमेंट है वो कितनी है। अगर ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन बेच के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है तो आप इंटरमीडिएट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने बैचलर किया, आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे, ओके। यहाँ पर इंस्टीट्यूट कह रहा है आपने कहाँ से किया हुआ है, आपको वो लिख देना है। यहाँ पर टाइटल कह रहा है, सही है, टाइटल का मतलब ये आपको यहाँ पर लिखना है कि आपको यहाँ पे टाइटल लिखना है, आपको ने कौन सी डिग्री की हुई है, फर्स्ट बैचलर की है, किस में की है, वो लिखना है आपको। यहाँ पे CGPA है अगर है तो, यूनिवर्सिटी वगैरह से आपने की हुई है, BSc वो लिखनी है। अगर आपने स्कूल से की है तो आप सिंपली यहाँ पे परसेंटेज लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं ईयर कम्प्लीटेड, आपने जो बैचलर या FSc किया हुआ है, इंटरमीडिएट आपने कम्प्लीट किया, आपको वो लिख देना है सिंपली। सही, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे एड क्वालिफिकेशन कह रहा है। अगर आपको और भी इन्फॉर्मेशन दे देनी है, मैट्रिक की, फर्स्ट ऑफ ऑल आप मैट्रिक की भी दे रहे हैं, इंटर की भी दे रहे हैं, FSc की भी दे रहे हैं, आपने क्या करना है, यहाँ पे कह रहा है कि एड क्वालिफिकेशन, आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे, ओके। यहाँ उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में कह रहा है कि एक्सपीरियंस, आपको क्या करना है, एक्सपीरियंस दे देना है। अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है, कंपनी नेम आपका किस में एक्सपीरियंस है, यहाँ पे जॉब पोजीशन कह रहा है, आपकी जो जॉब है, आपने जॉब कहाँ पे की थी, अगर आपका एक्सपीरियंस है। यहाँ पे स्टार्ट डेट कह रहा है, आपने कब स्टार्ट किया था, मतलब उसके बाद आपने कब इंट किया था, आपको वो लिख देना है सिंपली। उसके बाद अगर आप कोई अभी तक काम वगैरह कर रहे हैं तो यहाँ पे आप सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देंगे, आई एम करंटली वर्किंग हेयर, आप इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे लिखेंगे आप क्या एड
एक्सपीरियंस, आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। सही, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। मैंने नहीं किया, आप जैसे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। सही, ओके। उसके बाद जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कह रहा है कि प्रिंट एप्लीकेशन। सही, ओके। तो यहाँ पर कह रहा है कि चूज पोस्ट, आप किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, कौन सी पोस्ट के लिए। फॉर सपोज मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा। सही, ओके। तो ये नेक्स्ट लो, इस वजह से ओपन नहीं हो रहा है। सही, ओके। आप इस चूज पोस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, जैसे ही पोस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे आप किसके लिए, मैंने पीछे से नहीं अप्लाई किया है, जैसे आप उसके अपनी डिटेल देंगे तो यहाँ पे जो पोस्ट वगैरह है वो भी शो हो जाएगी। ओके, यहाँ पे कह रहा है कि टेस्ट फी पेमेंट कर लें, आपने क्या करना है। यहाँ पे कह रहा है कि फी, यहाँ पर चालान फ्राम कैन डिपोजिट पाए नियरेस्ट बैंक, आपने क्या करना है, आपकी जो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान है आपको वो वहाँ पर आपकी जो पेमेंट है वो आपको दे देनी है। सही, वहाँ पर फिल करवानी है। यहाँ पर कह रहा है कि ऑनलाइन पेमेंट में, यहाँ पे कह रहा है कि यू कैन आल्सो पे टेस्ट फी ऑनलाइन वाई बैंक का ट्रांसफर थ्रू एनी जेस इजी पैसा। सही, ओके। यहाँ पे कह रहा है कि आप अपने जेस के इजी पैसा भी आपका जो पेमेंट है आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये एडवाइस दूंगा कि आपने क्या करना है, आपको मैं ये कह रहा हूँ कि आपने क्या करना है, आपको जस्ट सिंपली एज ए किसी भी बैंक के ऊपर आपको जो आपका जो चालान है वो उसके ऊपर, मतलब आप बैंक के ऊपर ही जाना, वहाँ पे आप क्या करना है आपको वहाँ पे दे देना। फॉर सपोज आपने ऑनलाइन पेमेंट की हो जाए, यहाँ पे कह रहा है। सही, यहाँ पे कह रहा है कि ऑनलाइन पेमेंट, अगर आपने ऑनलाइन पेमेंट की हुई है, इसकी जो पेमेंट है वो 500 है, तो आपने क्या करना है, वेरीफाई के लिए यहाँ पे लिखा हो कि वेरीफाई चालान, आपने क्या करना है, जस्ट जैसे ही आपने ऑनलाइन पेमेंट जैसे कर ली है, अकाउंट नंबर ये है बैंक का। सही है, और बैंक का जो नाम है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान। आई होप ये आपको चालान तो मतलब पेमेंट करने आती होगी। आपको क्या करना है, जस्ट जेस कैश में ऊपर जाएंगे और जहाँ पे नेशनल बैंक वहाँ पे ऑप्शन होता है, आप उसके ऊपर जाएंगे, वहाँ पे नंबर लिखेंगे, जैसे नंबर लिखेंगे तो आपका जो चालान, आपकी जो पेमेंट है वो फिल हो जाएगी। जैसे आप पेमेंट फिल कर लेते हैं तो आप वहाँ पर वेरीफाई के ऊपर, वेरीफाई चालान के ऊपर क्लिक करेंगे। सही है, जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपको क्या करना है, चाहे चालान नंबर लिखना है। मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से अपलोड कर देना है, अब तो किस तरीके से करना है। फॉर सपोज ये मेरा जेस कैश अकाउंट है। सही है, ओके, मैं बताता हूँ कि आपको किस तरीके से आपका जो चालान है वो पेड कर देना है। सही, अगर आपने मोबाइल से किया हुआ है तो सबमिट, ओके। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपने क्या करना है, यहाँ पर अपना सब फॉर सपोज आप सबसे पहले आप अपना यहाँ पर अकाउंट ओपन करेंगे। सही, जैसे ही ये ओपन कर लेते हैं तो यहाँ पर कह रहा है कि मनी ट्रांसफ़र, ओके। आपने क्या मनी ट्रांसफ़र के ऊपर क्लिक करेंगे, ओके। यहाँ पर कह रहा है कि बैंक ट्रांसफ़र, आप क्या करेंगे, बैंक ट्रांसफ़र के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर बैंक कह रहा है कौन सी है। सही, तो हमारी बैंक कौन सी थी जो लिखा हुआ था वहाँ पर, नेशनल बैंक। आप क्या करेंगे, नेशनल बैंक के ऊपर, जैसे इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ आपने क्या करना है, यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर लिख देना है, जैसे कि ये लिखा हुआ है। उसके बाद आप एड अकाउंट नंबर लिखेंगे। उसके बाद फॉर सपोज मैंने यहाँ पे लिख लिया कि 500 थी, 500 मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया। सही, मेरे पास पेमेंट तो नहीं, मैंने फर्स्ट ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दिया। सही, फॉर सपोज जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो इसकी जो चालान, इसकी जो पेमेंट है वो ऑनलाइन पेमेंट हो जाएगी। सही, ओके, देख सकते हैं आप यहाँ पर ओपन हो जाएगी। सही, ओके, जैसे इसकी ओपन हो जाती है तो आपने क्या करना है, यहाँ पर आप फिर से आ जाएंगे वापसी, और आप यहाँ पर लिखा हुआ है कि वेरीफाई, मैंने बता दिया आपको, यहाँ पे चालान नंबर लिखेंगे। सही है, जो नंबर लिखा हुआ था वहाँ पे बैंक ब्रांच लिखेंगे, यहाँ पे उसकी जो फोटो है वो अपलोड कर देंगे स्क्रीन शूट करके, यहाँ पे सबमिट कर, जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इसकी जो चालान है ऑनलाइन पेमेंट हो जाएगी। सही, ओके। तो उसके बाद मैंने इसकी एडवर्टाइज कर देता हूँ, इसकी एडवर्टाइज में क्या लिखा हुआ है, ओके। तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो मेन वेबसाइट है, फर्स्ट मैंने आपको दिखा दिया, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो उसकी जो एडवर्टाइज है वो आप देख सकते हैं, वो ओपन हो जाएगी। सही है, जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी जो एडवर्टाइज है वो भी डाउनलोड हो जाएगी। तो मैं आपको बताता हूँ एडवर्टाइज में क्या है, ओके। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि मिनिस्ट्री ऑफ वैकेंसी है, अब ये लिखा हुआ है सिचुएशन वैकेंसी 2024, असिस्टेंट्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, स्टूडेंट टाइप्स के लिए, UDC के लिए, LDC के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। सही है, और यहाँ पर जो सारा प्रोसीजर है उसका ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रो, सही, उसके आप इस ज़रिए से आप अप्लाई कर सकते हैं। सही है, ओके। तो इसमें सारा कुछ लिखा हुआ है, आप जिसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। सिंध में, फटा में, ओवरऑल पाकिस्तान में, तो इस तरीके आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी मेरे वीडियो लाइक एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।